और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे अरे नंदू, इधर इधर इधर। अरे मेरे साथ तस्वीर खिंचवा। आपके साथ और तस्वीर? हाँ। आप इतने बड़े साहूकार और मैं इतना छोटा आदमी, आपके साथ तस्वीर कैसे खिंचवा सकता हूँ? नीचे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अब बैठ। आप कह रहे खिंचवा लेता हूँ। सुन सुन, तुझे मालूम है कि मैंने तेरे साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई? मालूम है, क्योंकि आप अमीरों और गरीबों में कोई फर्क नहीं समझते, आप महान हैं इसलिए। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन खास वजह यह है कि इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है। हाँ, हाँ। 10,000 रुपए। हाँ, हाँ, हाँ। अगर तू कर्जा न चुका सका। हाँ। और भाग गया तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। हाँ, तेरी तस्वीर होगी तो पुलिस को तुझे ढूंढ निकालने में आसानी होगी। समझ गया। हाँ। तेरे को कीड़े पड़ेंगे लाले। समझ गया। बढ़िया बढ़िया, जरा हाशिए। तो हमेशा की तरह वही साइड का बना दूं? हाँ हाँ, बना दो बना दो। और कल मुझे शहर में और भी कुछ काम है, तस्वीर तैयार रखना, मैं कल ले जाऊंगा। अच्छी बात है। राजा बाबू, लगता है आपको ये लड़की पसंद है। हाँ, इतनी पसंद है कि मैंने इसे शादी करने का फैसला कर लिया है। साथ? अरे और लड़के जी? ये लड़की कौन है? ये फोटो हमारे मालिक ने खींची है, हमको नहीं मालूम कौन है। अरे किसी ने भी खींची हो, हमारे राजा बाबू ये पूछे ये लड़की कौन है। देखो हमारी दुकान में 100 तरह के आदमी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, अभी हमको क्या मालूम कौन है। ठीक है ठीक है, तुम इसकी तस्वीर हमें दे दो, हम पता लगा लेंगे कि ये लड़की कौन है। अगर ये फोटो मैंने आपको दे दी तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा साहब। अरे मालिक के बच्चे, तेरे को हमारे राजा बाबू को नवाज करने की फिक्र नहीं है? इतना जोर से लाफा मार के मुंह लाल कर दूंगा कि जिंदगी भर ये पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल जल्दी से फोटो दे। भाभी अच्छी है, बहुत शहर की लगती है। हाँ राजा बाबू, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद है। आपने तो अपनी शादी तय कर ली है, मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ। आपकी शादी में तो मंडप लगेगा ही ना, मैं भी उस मंडप पे शादी कर लूंगा, पैसे भी बच जाएंगे और हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। अरे भैया ये बाहर गांव की लड़की है। मालूम है, उमर गांव की है। अरे ये उमर गांव की नहीं, ये तो 7 समुंदर पार की है। 7 समुंदर पार? इतना दूर? रहने दो, ये नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, आप लोग अपनी दुकान में साफ सफाई नहीं रखते? देखते नहीं कितनी धूल जमी हुई है, बेचारी कीचड़ में फंस गई है। मैं निकालता हूँ। निकल निकल। हाँ, फोटो है, कैसे निकलेगी? अच्छी है। 36, 24, 32। ये क्या है? चड्डी। और ये नाड़ा। खुद छपने आए हो? नहीं, ये कल के अखबार में इश्तिहार छप जाना चाहिए। हाँ। और ये फोटो भी। दोनों छपेंगे छपेंगे। ये उसका पैसा। ये दोनों छपेंगे। तू सुन, चड्डी और नाड़ा लेके निकल पड़। खुला खुला देखता है, पूरी पैंट पहन के आया कर। चल चल संभाल के जा, ये छाप देना। तू संभाल के जा, संभाल चड्डी। अरे नंदू, ये ऊपर लापता लिखवा के ये नीचे इनके बारे में सब क्या लिखवा दिया तूने? ये लड़की पागल है, अपने चाचा को नोच कर घर से भागी है, और जिसे भी मिलेगी सूचित करने वाले को 10,000 रुपए इनाम। ये लिखा है इसमें। ये पागल है, ये पागल है। अरे पागल ये नहीं, पागल तू है। जिस लड़की को मैं अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोच रहा हूँ उसे पागल कहकर उसकी इतनी बड़ी तस्वीर छुपा दी। अरे सर तूने क्यों किया? राजा बाबू, अखबार में जो भी इसकी तस्वीर देखेगा और इसको जानता होगा, इनाम के लालच में इसका पता हमें जरूर बताएगा। समझते नहीं है? अरे पागल, अगर अखबार किसी और से पहले इसने पढ़ लिया तो मेरा क्या होगा? राजा बाबू नीचे देखिए, नीचे इधर नहीं, अखबार में पता हमारा नहीं है, पता है लाला सुखी राम का। जो भी होगा उसका होगा, दूधे पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। समझते नहीं है आप? सिर्फ लाला का पता नहीं। हाँ। मगर तूने ऐसा क्यों किया? उसका फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था इसलिए। क्या मतलब?
राजा बाबू आप इसका मतलब समझेंगे नहीं, मेरी और उसकी बहुत पुराने दुश्मन है। बस आप देखिए, दो दिन के अंदर अंदर हमें लड़की का पता कैसे मिल जाएगा, समझते नहीं है यार। ये लाला सुखीराम की दुकान है। जी हाँ जी, मैं ही लाला सुखीराम हूँ। अखबार में इश्तिहार आप ही ने दिया जी था। जी हाँ। गाड़ी क्यों रोक जी? आवाज नहीं सुनी तूने? लगता है टायर पंचर हो गया है। आवाज यहाँ से नहीं आई तो सामने देखो, राजा बाबू वहाँ से आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अखबार में उल्टी सीधी बात छपवाने की? ये आप क्या कह रही हैं? अरे नंदू, ये तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं पागल हूँ? अपने चाचा को लोचकर घर से भाग गई हूँ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अब तेरी दूर होगी जब मैं तुझे अपने गाँव ले जाऊंगी। वहाँ तेरा वो हाल करूंगी कि तेरा सारा पागलपन दूर हो जाएगा। इश्तिहार देना तो एक तरफ, अखबार पढ़ना भी भूल जाएगा, समझा? ले चलो इसे। अबे ये क्या रहा? कौन है ये लोग? दर्जी, ये लाला जी को उठाकर कहाँ ले जा रही? पास के गांव की लड़की है, अपने गांव उठा के ले जा रही है लाला जी की पिटाई करने के लिए। ओए शर्म आनी चाहिए, ओए शर्म आनी चाहिए। डूब मरो। ओए कमबख्ता उल्लू के पट्टा, पड़ोस के गांव की एक लौंडिया हमारे गांव के एक इज्जतदार आदमी को उठा के ले जा रही है, और तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? फटो तुम्हारा। 15-20 आदमी जाओ और उस लड़की का रास्ता रोको। लाला जी से उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करो। अगर वह साली नहीं माने तो हाथ पर बांध कर इधर ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। जाओ। अरे नंदू, चाचा ने तो गांव वालों को तुम्हारी भाभी के खिलाफ भड़का दिया, अब क्या होगा? बैंड बज जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी राजा बाबू। अगर गांव वाले भाभी के हाथ पांव बांध कर इस गांव में ले आए तो शादी के बाद भाभी कभी भी अपना सर उठा के इस गांव में नहीं चल सकेगी। राजा बाबू कोई तरकीब सोचो, सोचो ना। तरकीब सूझ गई है नंदू। सीधी तरह से हमारे लाला जी को छोड़ दो और उनसे माफी मांगो। माफी? और मैं? अरे देख क्या रहे हो, इन आदमियों का भी वही हाल कर दो जो लाला का किया है। आप मेरे घर चलेंगी, आपने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की, अब मैं घर ले जाकर आपकी इज्जत उतारूंगा। तुम लोगों की गाड़ियां हमने रोक ली है, अगर तुम में से कोई भी मत का बच्चा है तो अपनी गाड़ी हिला के दिखा दे। समझता नहीं है यार? अरे देख क्या रहा हो भाई, ये रक्षा खोलो। अरे भाइयों तथा बहनों, ये धर्मेंद्र जी कहां से टपक पड़े? साउथेंद्र धर्मेंद्र। Thank you.
कैसे मालूम? मेरा नाम है ना नंदू ना मोटे हराम का हाथ बेटा हो गया हाथ है आप इनके साथ आइए मैं इनके साथ जाता हूँ अगर मुझे ये मालूम होता कि ये हरकतें कर रहे तुम वहां जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता वो तो भरा हो इन दोनों का कि बस वो तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए कहीं ऊंच नीच हो जाती तो मैं गांव वालों के सामने शक दिखाने काबिल नहीं रहता आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें धन्यवाद की क्या बात है बाबूजी ये तो मेरा फर्ज था मगर हम दोनों अपना ये फर्ज अक्सर निभाते रहते हैं अभी हफ्ता भर पहले 10-15 गुंडों के बीच दो बहनें फंस गई बस भगवान ने उनकी मदद के लिए हम दोनों भाइयों को भेज दिया और हम दोनों भाइयों ने मिलकर उन गुंडों को इतना पीटा कि वो कुत्तों की तरह भाग गए वो तो भाग गए लेकिन हम दोनों भाई फंस गए फंस गए हाँ कैसे वो दोनों बेचारी बहनें अपना दिल हम दोनों भाइयों को दे बैठी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वीरू भूली बिसरी बातें दोहराए मत करो जब हम वहां से चलने लगे वो दोनों बहनें हमारे पैरों में गिर गईं और ऐसे रोई जैसे कि बारिश पड़ रही हो मेरा तो दिल ही भर गया मैंने वो छोटी वाली मेरी वाली उसकी एक चुम्मी ले ली और उसे कहा जा बस तेरे नसीब में इतना ही है वीरू मेरे भाई मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ आप ही बताइए बाबूजी हम क्या करें हम जिस लड़की के लिए लड़ते हैं वो लड़की हमें अपना दिल दे बैठती है शायद इसलिए कि उन्हें हम जैसे बाकी नौजवान देखने को ही नहीं मिलते मगर हम क्या करें किस किस लड़की को अपना दिल दे आपका मतलब ये है कि कल जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये लड़की भी वैसे ही रोएगी और आप भी इसके साथ वही करेंगे जो मैंने उस लड़की के साथ किया था आप लोगों को मेरे रोने के लिए कल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं खाना खाइए और चलते बनिए देखिए हमें बहुत दूर जाना है और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल भी है इसलिए हमने फैसला किया है कि रात को इधर ही सोएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे जी नहीं हमारे घर में मेहमानों के लिए रात को ठहराने का कोई इंतजाम नहीं आपसे ये उम्मीद नहीं थी बेटी ये ठीक नहीं है आ जाते इन दोनों को यही रहने दो हमें आपसे यही उम्मीद थी आ जा कौन है मेरी यहाँ नींद उड़ी हुई है और तू चैन से खुराटे ले रहा है आप ही ने तो कहा था कि रात भर यहाँ पर सोएंगे और सुबह उठते यहाँ से चले जाएंगे वो तो यहाँ पर रुकने का एक बहाना था ताकि मैं रात भर उसे जी भर के देख सकूं और उसे कितना देखोगे राजा बाबू जब से आप इधर आए हो उसी को तो देख रहे हो क्या करूं मेरा जी ही नहीं भरता ठीक है उसका भी इंतजाम कर देता हूँ नंदो मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा नहीं राजा बाबू नहीं अगर भगवान ने चाहा तो आपकी शादी इसी के साथ होंगी अब देखिए वो भी मुस्कुरा रही है अरे मगर ये मुस्कुरा क्यों रही है मुझे लगता है ये आप ही का सपना देख रही है अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं जा रहे हैं नमस्ते कभी इधर से गुजर हो तो आइएगा जरूर आएंगे अगर इधर नहीं आएंगे तो किधर जाएं नमस्ते लगता है ये कुत्ता मैंने पहले कहीं देखा है ये तुम्हें काट चुका है वीरू इससे मेरा कोई झगड़ा नहीं फिर भी इश्तिहार देकर मुझे बदनाम किया देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फिर कोई गलतफहमी हुई है चुप मगर गुले बकावली जब तुम्हारा इससे कोई झगड़ा ही नहीं तो आखिर इश्तिहार देने की कोई वजह तो होगी वो भी पता चल जाएगा फोटोग्राफर और अखबार का मालिक दोनों आते ही होंगे लो वो आ गए जी नमस्ते तुम्हारी दुकान से मेरी फोटो इस लाला ने खरीदी थी जी ये वो नहीं है आपके अखबार में मेरी फोटो छपवाने के लिए यही आया था ना ये चौड़ा नहीं था अगर इस इंसान की मेरा मतलब दाढ़ी निकाल दी जाए जो मेरी दुकान में आया था उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती है दाढ़ी निकलवाने के बाद इस कंडे की फराक बदलवा के
चड्डी पहना दी जाए और दो नाड़े लटका दिए जाएं, तो ये वैसे ही लगेंगे जिसने फोटो छपाया था। चड्डी तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। और तुम लोग हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं गुले बकावली, हम जा रहे हैं। मामी मैं एक नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। सुनिए मैं दरवाजा खोल। हाँ।